हेलो फ्रेंड, टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में कौन-कौन फैक्टर अफेक्ट पाता है और प्रूव दैट फ्रॉम द रेसिस्टिविटी, उसके बारे में प्रूव कैसे करेंगे और कौन-कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट पाता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एंड मटेरियल्स व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लोग का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग का ट्रांसफर होता है, पास कैसे होता है इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्लो करता है, तब से क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का पास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो होने का क्षमता होता है उसी को मूवमेंट पे जब कोई चीज अवरोधक इफेक्ट पड़ता है, उसके जो स्पीड होती है फ्लो होने की, मूवमेंट होने की इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें जो इफेक्ट पड़ता है वही क्या होता है रेसिस्टेंस होता है। तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर असर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पड़ता है होगा क्या होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ फर्स्ट इक्वेशन से मान लीजिए, ठीक है, अभी देखते हैं प्रूव भी करना है। तो रेसिस्टेंस मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, इसे आप घर पे प्रूव भी कर सकते हैं। ये क्या ले लेंगे, एक सर्किट बना लेंगे, यहाँ पर एक बीच में गैप रख देंगे, यहाँ पर रख के आपको चेक करना है वोल्टेज कुछ लगा देंगे, नाप में बल्ब लगा देंगे कितना ग्लो करता है, कितना करंट पास होता है, आपको यहाँ बैटरी से क्या देना पावर देना सप्लाई देना, ठीक है। तो आप अगर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, मतलब जितनी ज्यादा उसकी लंबाई होगी उसका रेसिस्टेंस इतनी ही ज्यादा कम होगी, सॉरी रेसिस्टेंस मतलब डायरेक्टली से मतलब क्या होगा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो जितना ज्यादा लंबाई होगा उसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा। तो अब ध्यान यहाँ के देना, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपको यहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, अगर इसका दूरी जो तार का दूरी जो है वायर का बेसिकली रेसिस्टेंस हम वायर को इलेक्ट्रिक करंट में ही बात करते हैं, तो अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में अगर 50 वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर ज्यादा उतना ही आएगा ना, लगभग फर्क नहीं आएगा ना। लेकिन अगर इतना ही 50 वोल्टेज है, अगर मान लीजिए तुम 1000 मीटर वायर में अगर पास कर दो, 1000 मीटर वायर में 50 वोल्टेज करंट दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, पूरा जाएगा, ट्रांसफर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबाई होगा उसका रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा होगा। तो इसका रेसिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो मतलब क्या, रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको स्पीड होगा बहुत ही स्लो होगा, उसमें ज्यादा नहीं पास होगा। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा क्या फिर पड़ता है, दूसरा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया मतलब क्या हो गया, जैसे मान वायर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल है ना मार्कल हो गया ना, तो मार्कल वाला जो ऊपर वाले भाग है ना, ऊपर वाला ये किनार वाला, तो उसी को क्या बोलते हैं सेक्शनल एरिया। तो वायर का जो सेक्शनल एरिया होगा अगर उसका उसका वायर का सेक्शनल एरिया अगर हम लोग का ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा मतलब उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस कम हो मतलब क्या, ज्यादा करंट नहीं रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मोटा हम लोग का मोटा सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा रहेगा तो उसमें रेसिस्टेंस उतना कम रहेगा, तो रेसिस्टेंस कम रहेगा तो उसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो मोटा तार होता है, अगर मोटा तार यहाँ पर रखकर चेक करेंगे एक बार, पतला तार रखेंगे तो उसमें करंट कम रहेगा, लेकिन अगर मोटा वाला तार रखेंगे तो क्या होगा, मोटा रखेंगे ज्यादा ज्यादा करंट बह जाएगा, इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, अब इसको अगर कंबाइन किया जाए तो तीनों क्वेश्चन को जो कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल की साइन हो क्या है हम लोग का कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसको क्या मान दिया है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब रो मान दिया, ठीक है। तो रो को P से डिनोट करते हैं PL by A मतलब क्या हो गया हम लोग का, ये P मतलब क्या हो गया, रो हो गया, R ये रो, इसी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी को रो को क्या बोलते हैं हम लोग का, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है हम लोग का, ओम मीटर होता है। अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा क्या रेसिस्टिविटी ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, अगर इसी को रेसिप्रोकल कर दिया, अगर 1/2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा उसका रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग का क्या हो गया फार्मूला बन जाता है, इसी से बहुत सारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हम लोग का प्रॉब्लम निकल सॉल्व हो सकता है। और अब बात करते हैं और कौन-कौन से फैक्टर में असर पड़ता है, लेंथ में असर पड़ा और हम लोग का सेक्शनल एरिया में असर पड़ा, लेकिन अब तीसरी फैक्टर क्या, हर एक मटेरियल का रेसिस्टेंस जो होता है फर्क होता है, हर एक मटेरियल से वो डिपेंड करता है उस पर कौन कौन सा मटेरियल मिलकर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। और एक चौथा क्या हो गया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर, मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब करंट उसमें नहीं पास होगा। अब ये कैसे होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे हम पढ़े हैं किसी भी चीज में अगर टेम्परेचर देंगे तो उसका जो हम लोग का मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड होगा, एक्सपांड होगा ना, टूट जाएगा, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
जो एकदम टाइटली होल्ड करके रखता है उस बोर्ड को तोड़ देता है अगर टेम्परेचर उसको दोगे तो तोड़ देगा तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स जो होंगे क्या हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो दूर दूर हो जाएंगे तो दूसरे में कनेक्टेड नहीं होंगे तो ज्यादा पास कर पाएगा नहीं पास कर पाएगा तो स्लो जाएगा, तो इतनी ज्यादा लंबाई जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी रेसिस्टेंस समझ आए ना उतनी ज्यादा क्या होगी ज्यादा होगी तो उसमें करंट उतना नहीं पास होगा। तो ये चार फैक्टर होते हैं जो उसमें इफेक्ट पाते हैं हम लोग का रेसिस्टेंस को। ठीक है, सिंपली आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।